अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको टोटल 5 लेटर्स लिखने सिखाऊंगी, काफ, लाम, लाम अलिफ ला, लाम और हा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें हमने टोटल 5 लेटर्स कवर करने हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो काफ लिखने के लिए आपको अलिफ लिखना है। तो अलिफ का आपको पता है कि 7 नुकात होते हैं, तो पहले आप 7 नुकात लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं 7 नुकात लिख रही हूँ, तो इसी तरह आप टोटल 7 नुकात लिख लें। एक, स्लोली स्लोली, ठीक है। दो, तीन और चार, पाँच, छः और ये 7। अब 7 नुकात हो गए। अब मैं अलिफ लिखूँगी, ठीक है, 7 नुकात के मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली। अलिफ लिखने आपको आता है तो आपने अलिफ लिख लेना है इस तरह से, जैसे मैं लिख रही हूँ। आपको पता है कि थोड़ा सा ये बेंड होता है राइट साइड की तरफ और ऐसे फिर लेफ्ट साइड की तरफ टर्न हो जाता है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि ना बा अटैच कर देना है। बस फ़र्क इसमें सिर्फ ये होगा कि बा जो है वो 6 नुकात की होती है, लेकिन यहाँ पर जो हम बा अटैच करेंगे वो 5 नुकात की होगी। आपने अलिफ का ताज लाजमी बनाना है। यहाँ पर जितने भी लेटर्स हैं ना, इन सब के ताज होंगे, तो वो आपने भूलना नहीं है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे कि बा अटैच कर देंगे 5 नुकात की, ऐसे करेंगे 3 नुकात नीचे लेकर आएंगे, 4 में सीधा होगा और 5 में ऐसे बेंड होकर ऊपर, ओके। ये हो गया कि काफ। और काफ का जो का होता है, वो का लिखने से पहले हम क्या करेंगे कि उसके सीक्वेंस बना लेंगे। सीक्वेंस में ये कि ऊपर से 2 नुकात, ठीक है, और इसी की सीध में यहाँ पर टॉप पे 2 नुकात, ओके, और इसके मिड में हम लोग काफ का क़ लिख देंगे। और काफ का क़ लिखना का तरीका ये है कि ऐसे रख कर ऊपर, फिर ऐसे नीचे राउंड और ऐसे कॉर्नर बना देना है, ठीक है। बीच में जो है ये इसके 1 नुकात का गैप होता है, ठीक है, और फिर मिड में जो है वो आप उसके 5 नुकात लिख लें, ठीक है। इस तरह से आप इसके 5 नुकात लिख लेंगे। और यहाँ पे बा का 1 नुक्ता लगा देंगे, जैसे होता है गहराई, ठीक है। ये हो गया काफ। अब मैं आपको लिखकर बताऊंगी लाम, ठीक है। लाम लिखने लगी हूँ। लाम बिल्कुल काफ की तरह ही होता है, बस उसमें होता है कि बा की जगह पे नून अटैच हो जाता है, ठीक है। अब आगे से सेम मेजरमेंट हो गई नून की, ठीक है। तो आपको पता है कि नून की क्या होती है। नून की गहराई होती है 1 नुक्ता, ठीक है, और यहाँ पर उसकी गहराई होगी 2 नुकात और अंदर जो है वो 5 नुकात की लेंथ हो गई, 1 नुक्ते की गहराई और 5 नुक्ते की लेंथ, ठीक है। अब जो है वो हम, मैं आपको लाम अलिफ ला लिखने लगी हूँ, ठीक है। लाम अलिफ ला के लिए वही पहले अलिफ लिख लेंगे, ठीक है, वही 7 नुकात आपने लगा लेने हैं, ठीक है, और उसके बाद साथ ही आपने अलिफ अटैच कर देना है साथ ही, ठीक है। अब आपने इसके साथ क्या करना है कि 3 नुकात का रॉ अटैच कर देना है, ओके, रॉ अटैच कर देना इस तरह से। आपको पता है रॉ कैसे लिखते हैं, ओके, इस तरह करके। तो 3 नुकात लिख लेंगे, यानी कि 3 नुकात का रॉ हो गया। जो इसका लास्ट स्ट्रोक है ना, वो लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अलिफ के साथ ना 3 नुकात लगा लेने हैं ताकि आपका डिस्टेंस रहे,
ठीक है, कि आपने इसका लास्ट स्ट्रोक जो है वो कैसे लगाना है। तो अलिफ के साथ जो है वो हम लोग तीन नुकात लिख लेंगे इस तरह से, एक दो और ये तीन, ठीक है। इस तरह से तीन नुकात हो गए। अब साथ ही ऐसे बेंड कर देना है, ऐसे रख कर ऐसे नीचे आना है और ऐसे बेंड करके नीचे, जैसे हमने दाल को किया था ना बेंड, उस तरह से। ये हो गया हमारा लाम अलिफ ला, बट इसका भी ताज होता है, लाम का भी, इसके लास्ट स्ट्रोक का भी ताज होता है, वो आपने भूलना नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना सारे लेटर्स का ताज होता है, तो ये आपने लाजमी लिखना है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है लाम, लाम की दूसरी शक्ल, ठीक है। उसका आसान सोल्यूशन ये है कि आपने पहले छः नुकात लिख लेने हैं। जब आप छः नुकात लिख लेंगे तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा ये वाला लाम। तो आप क्या करेंगे, छः नुकात लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से, एक दो तीन चार, ठीक है, चार पाँच छः, ओके। और इनके दरमियान में, यानी कि तीन इधर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। लाइन, ये जो लाइन है ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ सिक्स नुकात की इसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे आपने लाम अलिफ ला का लास्ट स्ट्रोक लगाया था उसी तरह ही आपने ये इसको लगा लेना है। इस तरह से आपने नीचे ले आना लाइन की सीक्वेंस में। अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने लाइन क्यों ड्रॉ की थी, ठीक है। इधर से रख के थोड़ा सा नीचे लेफ्ट और ऐसे ऊपर, और इस तरह से ये ऊपर चला गया। ये वाला जो स्ट्रोक है ना वो पहले वाले स्ट्रोक से थोड़ा सा ऊंचा होगा, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा, थोड़ा सा ऊंचा होगा। तो इस तरह से आप डॉट लगा के देख भी सकते हैं, ठीक है। और लाम का भी, इस लाम का भी ताज होता है, तो वो आपने लाजमी बना लेना है, ठीक है। अब हमारा जो आज का लास्ट लेटर है ना वो है हा, जो कि इस लाम से मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो नुकात की लेंथ होती है, लाम में छः नुकात की थी ना, इसमें दो नुकात की होती है, यानी कि दो नुकात के अंदर अंदर हा आएगा, बिल्कुल उसी तरह ही आएगा, स्ट्रेट रख के ऐसे नीचे की तरफ बेंड होगा, फिर थोड़ा सा नीचे इस तरह से लेफ्ट ऊपर और इस तरह से, ठीक है। और इसका भी ताज होता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड किया, इसलिए मैंने आज आपको टोटल पांच नुकात एक साथ ही सिखा दिए, क्योंकि एक दूसरे से रेलिवेंट थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।